साथियों नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं विधानसभा बाबागंज में और यहां से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के सुशील गौतम जी। आज जो है डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या माहौल लग रहा है, उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है, जैसे कि डोर टू डोर जा रहे हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है सर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ है बाबागंज में चुनाव लड़ने के लिए, पूरे कार्यकर्ता एकदम खुशी से पूरा रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आभार प्रकट करते हुए हम लोग रातों दिन पूरे संगठन के साथ पूरे विधानसभा में रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर्व समाज का बहुत अच्छा आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है और पूरी तरीके से जनता आश्वस्त है कि अब के बाबागंज में बदलाव होना है और बहुजन समाज पार्टी को जिताते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची थी, वहीं दूसरी तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी भी 403 विधानसभा सीटों पर ऐलान किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या असर पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी पर? उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका जो मकसद था, जो नायक उनके साथ जुड़े थे, नायकों को लग रहा था कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अभी सपा में जाके गठबंधन करने की बात कर रहे थे, उधर उनका मामला नहीं बन पाया तो केवल समाज का नुकसान कराना चाहते हैं। उनसे समाज वाले अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत सोशल मीडिया पर काफ़ी युवा भी जो है चिल्लाते हैं कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी से जो नायक नहीं जुड़े रहते हैं उनको ये लगता था कि चंद्रशेखर रावण बीएसपी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उनको देख लिया है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उनसे अब कोई समाज में कोई परिवर्तन नहीं, बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, सारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या तैयारी है आपकी? हम लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, सर्व समाज का अच्छा से सहयोग मिल रहा है। बहन कुमारी मायावती जी की चार चार साल सरकार रही है, चार चार बार सब बहन जी के लाइन ऑर्डर को जानते हैं, बहन कुमारी मायावती जी द्वारा काम किए गए कार्यों को सब लोग जानते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो भी काम किए गए हैं हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, सारे लोगों को बता रहे हैं और जनता जानती है बहन कुमारी मायावती जी की जैसे ही सरकार बनती है गुंडा माफिया का तुरंत खात्मा हो जाता है, पूरा प्रदेश में तुरंत विकास शुरू हो जाता है, गरीब लोगों की सुनवाई होने लगती है, किसी भी तरीके से हर तरीके से जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है दिखाया जाता है कि सपा और भाजपा की लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी गायब है, क्या कहेंगे? आपकी स्थिति में बताइए, पहले अभी तक बहन कुमारी मायावती जी जो है सोशल मीडिया में नहीं थी तब तक दिखाया जाता था, आज की स्थिति ऐसी है कि सपा सपा हो गई है, उसमें आपस में उनके परिवार में विवाद चल रहा है, सब देख रहे हो, दूसरी दूसरी पार्टी में जाके मिल रहे हैं, अब सपा खत्म है, अभी दूसरा चरण की लिस्ट जारी होने दी है कैंडिडेटों की। सपा साफ है, क्या भाजपा से टक्कर दे पाएंगे बसपा? अभी सपा और भाजपा की जो लिस्ट है जारी होने दीजिए, अभी केवल एक चरण का मतलब लिस्ट जारी हुआ है, सभी भाजपा और सपा में भगदड़ मच गई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट हैं सब सेलेक्ट कर दिए हैं और जहां भी कमज़ोर कैंडिडेट हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समीक्षा करके उनको संतुष्ट करते हुए सब सेलेक्ट कर रही हैं। अन्य पार्टियों में लालच दे के अपना भीड़ को दिखाने के लिए, अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए एक एक विधानसभा में 20-20, 25-25 कैंडिडेटों को लालच दे के उनसे सदस्यता जमा कराया गया, उनको क्षेत्र में लगाया गया, अब उनका टिकट कट रहा है तो सारे लोग बीएसपी की तरफ भाग रहे हैं, बीएसपी का जन समूह बढ़ता जा रहा है और पूरी जनता कह रही है बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। अभी लोग कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव जी जो सीटों का ऐलान जब करेंगे तो समाजवादी पार्टी में जो भी भगदड़ मचेगी, तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी में लोग आएंगे? वो तो जो बहुजन समाज पार्टी के लोग गए हैं टिकट के लालच में, वो तो निश्चित तौर पे बीएसपी में सब चले आएंगे, अपना अपने घर में आएंगे और भगदड़ मचना तय है। अभी उनको एक एक सीट पे, अभी हमारे मंडल में तो सीट का कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सारी सीटों पे जैसे ही लिस्ट जारी होगी बहुत तेज़ भगदड़ मचेगी और उससे बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा होगा। आप लोग साथ में हैं, आप क्या कहेंगे समर्थन में? समर्थन में पासी समाज सेवा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्रीनाथ पासी, मैं बहुजन समाज पार्टी में जो उनके लाइन ऑर्डर हैं माननीय बहन जी के, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और जो भी समस्या उत्तर प्रदेश में बनी है, चाहे वो शोषण, अत्याचार, शिक्षा, गैस सिलेंडर, महंगाई से लेकर सभी चीज़ों में इसको इतना बढ़ावा दे दिया गया है योगी और ये सारे चीज़ें, जैसे कि
हद से ज़्यादा हो गया, इसलिए कि हर ज़िले के वो गरीब तबके का, हर समाज के हर गरीब तबके का इंसान ये सोच रहा कि माननीय बहन जी को और विधानसभा बाबागंज में और हर विधानसभा से माननीय बहन जी के चुने हुए प्रत्याशी को जिताकर यहाँ से भारी मतों से पासी समाज जो है अखिलेश की तरफ भाग रहा है ग्रीस पासी को देखकर यहाँ से प्रत्याशी जी। मैं भी पासी हूँ, जो कहते हैं ये गलत बातें हैं, कुछ क्या कहते हैं इस तरीके से जा रहे हैं, जो सामने से जाएंगे और वोटिंग बहुजन समाज पार्टी में करेंगे। क्या हवा हवाई उड़ा रहे हैं क्या? जी हाँ ऐसा है जी। क्या कहेंगे आप? मैं बहुजन समाज पार्टी जिला सचिव प्रभारी बाबागंज हूँ। मैं बहुत पुराने वर्कर में से काम कर रहा हूँ। साथियों सही चीज़ तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी में जो इस बार प्रत्याशी मिला है वो क्षेत्रीय प्रत्याशी मिला है। हम लोग बहुत प्रयास के बाद ये प्रयास किए हैं कि हमारे यहाँ का क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए। माननीय बहन जी ने हमारे यहाँ लोकल प्रत्याशी दे करके हम लोगों के साथ बहुत ही सहानुभूति बरता है और निश्चित ही इस बार हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। और यही नहीं, सारे समाज के लोगों से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है और सारे समाज के लोगों का वोट जो है सुशील गौतम जी को मिल रहा है। यहाँ पे निवासी कौन है, स्थानीय कौन है? डीएसपी का एक कार्यकर्ता हूँ, विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और अभी आपने अखिलेश जी की बात किया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी पहले भी सत्ता में रह चुके हैं और अच्छे बहुमत से थे, तो वो हमारे समाज के लोगों का कितना नुकसान किए, ठीक है? उनको तो तब एहसास हुआ दलित वोट के लिए, अब वो परेशान हैं। जब 2017 में चुनाव हारे और योगी जी ने उनकी सीट को गौमूत्र से धुलवाया, तब उनको एहसास हुआ कि हम भी दलित समाज। अखिलेश यादव जी भी तो जो है आरक्षण बिल प्रमोशन का जो है बिल फाड़ दिए थे। जी जी जी, उसी बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो हमारे समाज के लिए इतना नुकसान किए हैं, कई योजनाओं का नुकसान किया, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तुड़वाए हैं, ढकवाए हैं, बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, और आज वो दलित समाज के लिए इतना परेशान है। दलित समाज उनको भूलेगा नहीं, जो उन्होंने कुकृत किया है वो दलित समाज उनको वोट नहीं देगा। वो भुलेखे में ना रहें, क्योंकि बहन जी की सत्ता आ रही है और बहन जी 5 साल फिर फर्स्ट क्लास शासन चलाएंगे। धन्यवाद। आखिरी सवाल है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे अपने क्षेत्र में? युवा स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, जब समाज के साथ कहीं उत्पीड़न होता है तो जो नवयुवक है उनको बहुत कष्ट होता है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल नवयुवक जान रहा है, और जो भी नया है वो भी उनके गार्जियन लोग बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल कैसा होता है। नवयुवक पूरे तरीके से दिन रात मेहनत करके बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है मौजूद रहे, उपस्थित रहे, यहाँ पे पासी समाज से लोग भी उपस्थित रहे, और जो है वो कह रहा है कि गिरीश पासी के साथ में तो नहीं रहेंगे और काम करेंगे हमारे साथ में, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या नाम है? एक मिनट शांत रहिए। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। सबसे पहले इस चुनाव, मैं छात्र हूँ, बीएड कर चुका हूँ, लेकिन शिक्षा और रोज़गार इस सरकार में और इससे पिछली भी सरकार सपा की सरकार में दोनों बदहाल अवस्था हैं, और हम इस बार चुनावी मुद्दे हमारे पास कई सारे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की हो या शिक्षा के लिए हो या रोज़गार हो, और इससे पहले भी जो बसपा सरकार, योगी जी ने तो रोज़गार दिया है पकौड़ा तलने का, वो उनको हम इस बार जो सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि हम पकौड़ा तलने के लिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं। अगर हमको शिक्षा, अगर पकौड़ा तलना होता तो हम घर में ट्रेनिंग ले सकते थे और पकौड़ा तल सकते थे और अपना रोजी रोटी वहीं से कमा सकते थे, ठीक है? लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इससे पहले 2007 में बहन जी की सरकार थी, जो एशिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाए हैं, और इससे कई सारे मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं बहन जी सरकार में, और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, कई सारे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं, और कानून व्यवस्था पे उनसे बेहतर आज तक, देश का आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर शासन के मामले में आज तक कोई नहीं बेहतर हुआ। योगी जी भी तो अच्छा काम किया ना, मंदिर बनवा दिया, राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, क्या चाहिए? मंदिर आस्था ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर इस मुद्दे पर अगर कोई चुनाव वोट करता है तो ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आस्था सबकी होनी चाहिए और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे,
हमारा जो मुद्दा है वास्तविक मुद्दा है और हम जिस मुद्दे पर वोट करेंगे वो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसके लिए हम बहन जी को फिर से वोट करेंगे। लगभग बहन जी की सरकार में 23 लाख रोजगार दिया गया था और इसी मुद्दे पर हम फिर से चुनाव करेंगे और दोबारा हम चाहेंगे कि BSP सरकार बने। योगी जी सुनिए, देखिए ये जो युवा हैं, युवा भी ठान चुके हैं कि आपकी सरकार को अब उखाड़ फेंकेंगे और BSP की सरकार लाएंगे हम।